ये देखें व्यूअर, आज की हम वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कबूतरी अंडा कैसे देती है। हाथ में पकड़ ले से, हाथ में पकड़ ले। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कबूतरी अंडा कैसे देती है। ये देखें व्यूअर, इसको छोटे वाले पिंजरे में डाल देते हैं, उधर तो बाहर ही देगी। चले हम व्यूअर इसको छोटे पिंजरे में डालते हैं, आप देखिएगा। ये देखें हमारी भतीजी भी आई हुई है, कितनी प्यारी है। और इसको हम छोटे पिंजरे में डाल रहे हैं और यहाँ पर देखेंगे कि अभी अंडा देगी। हम आपको दिखाएंगे कि कबूतर अंडा किस तरह से देता है। ये देखें व्यूअर्स, ये देखा व्यूअर्स आपने किस तरह से इसने अंडा दिया है। जिस तरह से हमने आपको बताया था कबूतरी अंडा देने वाली है और इसने ये अंडा दे दिया। ये देखें व्यूअर्स आपके सामने। सो व्यूअर, हमने सोचा हमारी ये कबूतरी अंडा देने वाली है तो हम आपको दिखा दें, और आपने देखा कि आपके सामने किस तरह से इसने अंडा दिया है। आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से अंडा देते हैं कबूतर। तो हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली हम लोग लेके आए हैं आज हमारी न्यू एंट्री, जो हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये भी हमें ज़रूर बताइए कि ये अंडा देना इस कबूतरी का आपको कैसा लगा। आपने पहले कभी देखा इस तरह? तो चलें व्यूअर, हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, व्यूअर्स कैसे हैं आप लोग? सो व्यूअर, आज हम आपको दिखा रहे हैं हमारी न्यू एंट्री, जो हम न्यू एंट्री में कबूतर लेके आए हैं कुछ। ये आज आप देखें, ये देखें व्यूअर, ये जंगला है, रोशन जंगला टाइप का, बहुत होशियार लग रहा है ये। और ये देखें इसकी आइज़ भी, देख रहे हैं आप कैसी है। और ये कैसा जंगला है, तीन जंगले हैं आपके, हम आपको दिखाते हैं। देखें ये दूसरा जंगला है, ये दूसरा जंगला है, इसकी भी आइज़ देख लें आप। और एक और है, वो भी रोशन टाइप का, वो भी दिखाते हैं आसिम, तीसरा भी दिखाना। ये तीसरा जंगला है व्यूअर्स। सो ये तीन जंगले हैं जो हमारी न्यू एंट्री में आए हैं, हम लोग जमा कर रहे हैं कबूतर। सो ये भी देख लें, ये भी आपको कैसा लग रहा है। ये जंगले कबूतर हैं, रोशन जंगला टाइप के, और ये जो हैं लड़ाइयों में बहुत अच्छे होते हैं। हमारे पास पहले भी दो रोशन जंगले हैं, ये हमारे पास तीन और आ गए, और मैं भी आपको और भी कबूतर दिखाता हूँ, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये देखें व्यूअर्स, एक ये कबूतर है, और ये गुलाबी है, गंडे टाइप का, गुलाबी गुलाबी सा है। एक्चुअली हम कोई उस्ताद नहीं है, इस वजह से हमें ज़्यादा पहचान भी नहीं है। सो जस्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि हम जो न्यू एंट्री लेके आए हैं वो कैसी है। ये आप देखें, ये भी हम लेके आए हैं लड़ाइयों के लिए। और ये कबूतर आपको कैसा लग रहा है, एक और शेराजी अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें व्यूअर, ये शेराजी भी लेके आए हैं हम लोग, और ये शेराजी आपको कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताइएगा। इसको भी देख लें आप। हम ये तकरीबन 14-15 कबूतर एक साथ लेके आए हैं। जब आप लोग भी जब भी कबूतर ख़रीदा करें तो एक साथ किसी छत से लड़ते हुए लेके आया करें, हम भी ये लड़ते हुए लेके आएँ। सो आप देखें कैसे लग रहे हैं आपको, हम आपको और भी दिखाते हैं, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो व्यूअर देखें, एक ये कबूतर है, ये एक्चुअली ब्लैक कबूतर था, इसके ऊपर जैसे आप ये देख रहे हैं ये ब्लीच करके किसी ने वाइट किया हुआ है, और ये ब्लीच से वाइट किया हुआ, देखें आप इसको ब्लीच लगा के काले कबूतर को कैसे कर दिया। ये भी हम लेके आए इस न्यू एंट्री में, और ये भी आपको कैसा लग रहा है, इसकी आइज़ भी देख लें आप करीब से, ये कबूतर कैसा है। ये भी हम लड़ाइयों के लिए लेके आए हैं, और अभी हम आपको और भी दिखाते हैं, दिखाना आसिम। ये देखें व्यूअर, एक ये लाल शेराजी है, जैसे अभी हमने आपको एक काला शेराजी दिखाया था न्यू एंट्री में, ये लाल शेराजी है, ये भी न्यू एंट्री में। और ये भी आपको कैसा लग रहा है आप हमें ज़रूर बताइएगा व्यूअर्स, कि आपको हमारी न्यू एंट्री के कबूतर कैसे लग रहे हैं। ये देख लें ये कैसे हैं। और एक और है, वो भी हम आपको दिखाते हैं, चानना। हमारे पास पहले भी चानने हैं दो, और ये एक और चानना है, ये देखें ये कैसा है, बहुत खूबसूरत लगता है ये माशाल्लाह से। ये देखें व्यूअर, थोड़ा सा वो हो रहा है, ये चानना, इसका सर जो है वो वाइट है, और ये ब्लैक है, और इसके इस तरह से पर साइटों से दो बास टाइप का है। ये देखें व्यूअर्स, सो आपको ये चानना भी कैसा लगा आप ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। देख रहे हैं कितना तेज़ हो रहा है ये हाथ में। हम आपको और भी कबूतर दिखाते हैं, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप लोग हमारी न्यू एंट्रीज़ को पसंद करते हैं, इस वजह से हम ये कबूतर आपको दिखा रहे हैं। सो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करते रहिएगा। सो व्यूअर ये देखें, ये एक और ये कबूतर है, ये भी गुलाबी टाइप का कबूतर है, जिस तरह से आप देख रहे हैं नफ्ता लग रहा है, ये गुलाबी नफ्ता। अब हमें मालूम नहीं है, आप लोगों को तो आइडिया भी होगा क्योंकि आप लोग भी पालते हैं,
तो आप भी हमें बताइए कैसे कबूतर है। इसकी आइस भी देख लें आप, इसकी आइस कैसी है, और हम आपको और भी दिखाते हैं। ये एक और जंगला टाइप का ही है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें व्यूअर, ये जंगला, ये कैसा लग रहा है आपको। ये कबूतर भी हम लड़ाइयों के लिए लेके आए हैं, और इसकी भी आइस देख लें आप, और भी हम आपको दिखाते हैं। एक ये काला कबूतर है, ये देखें व्यूअर्स, ये काला कबूतर भी आया है, इसकी भी आइस देख लें आप, ये कैसा है। और ये भी हम लड़ाइयों के लिए लेके आए हैं, और अभी हम आपको और भी दिखाते हैं। ये भंवरा एक, ये देखें व्यूअर्स, ये भंवरा कबूतर है। ये व्यूअर जो इस तरह के होते हैं वो भंवरे कबूतर कहलाते हैं। ये रोशन भंवरा टाइप का है। अगर आपने हमारी सारी वीडियोस देखी हो तो एक दफ़ा इस तरह का कबूतर हमारी छत पे उतरा था, जिसको मैं खुद ट्राई कर रहा था पकड़ने की, और वो भाग गया था। मगरिब भी हो गई थी, अंधेरा भी हो गया होगा। सो ये उस तरह का भंवरा कबूतर है। ये भी कैसा लगा आपको, ये भी हम लड़ाइयों के लिए लेके आए। और आप वीडियो को एंड तक देखें, हम अभी आपको और भी हमारी न्यू एंट्रीज दिखाते हैं। और ये आपको कबूतर कैसे लग रहे हैं आप ये भी हमें ज़रूर बताइए व्यूअर्स कमेंट्स में। सो व्यूअर ये देखें, फाइनली ये दो कबूतर रह गए, ये भी हमने सोचा आपको दिखा दें। एक ये कबूतर भी है, ये भी हम अपनी टोली के लिए लेके आए हैं। जैसा हमने आपको बताया, हम 14-15 कबूतर एक साथ लेके आए, उनमें ये भी एक कबूतर है। और ये भी आपको कैसा लग रहा है ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। अभी एक और रह गया, हम आपको वो भी दिखा देते हैं। ये नफ्ता है, तो व्यूअर ये देख लें, ये नफ्ता, ये भी हम अपने टोली के लिए लेके आए। सो ये नफ्ता भी आपको कैसा लग रहा है। एक्चुअली जो बड़े कबूतरबाज होते हैं वो नफ्ते भूरे तो रखते नहीं, और हम तो कोई बड़े कबूतरबाज हैं नहीं, इस वजह से हम नफ्ते भूरे हर कबूतर मिक्स रखते हैं। सो जिस तरह से आपने देखा, ये हमारे कबूतर हैं जो न्यू एंट्री में आए व्यूअर्स, और अभी कल ही आए ये कल रात को, और आज हम इन्हें खोल भी देंगे। इनके हमने पर नहीं बांधे हुए, अगर आप देख रहे होंगे तो इनमें से हमने किसी के भी पर नहीं बांधे हुए, बस इन्हें भूखा रखा हुआ है, ज़्यादा भूखा रखा हुआ है, बस इनको आज हम खोलेंगे अभी मगरिब के टाइम पे। तो हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, और आपको ये हमारी न्यू एंट्री कैसी लगी ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा व्यूअर, क्योंकि आप लोग हमें कमेंट्स करते हैं, हम आपके कमेंट ज़रूर पढ़ते हैं, और आपको रिप्लाई भी करते हैं, कभी कभी रिप्लाई नहीं भी कर पाते, लेकिन हम आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ते हैं व्यूअर्स। तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि न्यू एंट्री आपको कैसी लगी है। तो व्यूअर्स जिस तरह से आपने देखा, हमने न्यू एंट्रीज खोली हैं अभी इसके अंदर, और ये कुछ न्यू एंट्रीज यहाँ पर हैं। हमने असल में आपको वीडियो बना के दिखा रहे थे तो कुछ यहाँ पर डाल दिए थे, अभी हम इन सबको भी खोल लें जिस तरह से आप देखेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये सब न्यू एंट्रीज में हैं, और हमने इनके पर नहीं बांधे। ये देखें व्यूअर, ये नफ्ता आ गया, और अभी दो अंदर रह गए। और ये देखें व्यूअर, ये हमारी भतीजी मरियम, ये कितनी क्यूट है माशाल्लाह से। मरियम से हाय, से हाय मरियम, हाय बोलो। तो व्यूअर आपने देखा शाय हो रही है थोड़ी सी। ये देखें व्यूअर, ये निकला लाल शेराजी, ये भी न्यू एंट्री में है। और ये वो काला कबूतर जिसको ब्लीच किया हुआ है, ब्लीच करके वाइट किया हुआ है व्यूअर, ये वो है। और वो तो हमारी अंदर लालबंद पुरानी है। तो व्यूअर जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये हमारी छत है, तो आप लोगों को तो पता ही है, और हमारे कबूतर हैं, और इन कबूतरों में आप न्यू एंट्रीज भी कर चुके हैं जिस तरह से आप देख रहे हैं। हम लोगों ने किसी के भी पर नहीं बांधे, हम कल रात को लेके आए हैं और आज ही हमने खोल दिए। ये 14 कबूतर हैं जो हम लेके आए हैं। अब ये देखें रेहान भाई उन्हें ट्रेन कर रहे हैं ऊपर दाना डाल के, लेकिन वो न्यू एंट्रीज उड़ चुके हैं थोड़े से। ये देखें व्यूअर्स, नए कबूतरों को किस तरह से ट्रेन किया जाता है, जिस तरह से रेहान भाई पिंजरे के ऊपर दाना डाल के इन्हें ऊपर नीचे कर रहे हैं। ये बिल्कुल न्यू कबूतर हैं व्यूअर्स। ये देखें व्यूअर, इसमें ये जंगले जो हैं वो भी हैं, और वो गुलाबी टाइप का नफ्ता वो भी है, और ये काली शेराज़न जिसने बाने नहीं पहने, ये भी न्यू एंट्री है जो जंगलों के पास है। ये देखें ऊपर से अब नीचे से उतार रहे हैं ताकि इनको छत का आइडिया हो, दाना दे रहे हैं। भूखा रखा हुआ था बस व्यूअर्स हमने, जब भी व्यूअर्स आप अपने नए कबूतर खोलें तो कबूतरों को भूखा रखें ताकि वो आपके दाने के इशारे पे चलें और आपकी छत देखें। तो ये देखें व्यूअर्स, ये रेहान भाई दोबारा ऊपर बिठा रहे हैं न्यू एंट्री के कबूतरों को, वो देखें ये नफ्ता 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 आ गया, ये नफ्ता नया है जो नीचे उतरा है। ये ऊपर नीचे करके इस तरह से कबूतरों को ट्रेन किया जाता है जिस तरह से आप देख रहे हैं।
ये देखें अभी बार, ये नया वाला चांदना ब्लैक एंड वाइट कैसा प्यारा लग रहा है, जिसका सर वाइट है, ये उड़ा ये बैठा अभी बार, ये भी न्यू एंट्री में। लेकिन भूखे देखें आप अभी बार कितने रखे हुए हमने, कैसे दाने के पीछे चल रहे हैं। तो आप भी जब भी अपने कबूतर लेके आए न्यू, उनको भूखा बहुत रखें और मगरिब के टाइम पे उन्हें खोलें और इस तरह दाने के ऊपर अपनी छत दिखाया करें। हमारे पास एक जंगली कबूतर भी है, हमने जैसे आपको पहले बताया था, हम वो भी दिखा देते हैं आपको, वो भी हमारे पास हिला हुआ है। ये जंगली वाइल्ड कबूतर है, ये देखें ये ऊपर बैठा है, वाइल्ड पिजन। हम आपको करीब से दिखाते हैं, ये जो भी ये वाइल्ड, ये वाइल्ड पिजन है हमारे पास। अब असल में विवर नए कबूतर भी खुले हुए, हम गलत जगह पर आ गए। सारे उतर गए रेहान, शुक्र विवर सारे आ गए। हाँ एक कबूतर निकल के उधर बैठ रहा था जिस तरह से रेहान भाई ने बताया। तो देखें विवर हमारे पास दोबारा कबूतर कितने सारे हो गए माशाल्लाह से। और ये हमारे टीम मेंबर रेहान भाई हैं जो ये कबूतरों को लुक आफ्टर करते हैं, और ये हमारे आसिम भाई हैं हमारे टीम मेंबर जो कि हमारे PRO हैं, पब्लिक रिलेशन, लोगों से बातचीत करके यही सारे जो वीडियो का सेटअप होता है वो डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है कब जाना है। और ये हमारे नवीद भाई हैं उर्फ राधे, ये हमारा इनका जो पिजन्स का जो फूड है उसको लुक आफ्टर करते हैं, जो इनका दाना वगैरह होता है वो इनकी जिम्मेदारी है, ये लेके आते हैं कैसा लेके आना है कहाँ से लेके आना है वो इनकी जिम्मेदारी होती है। और ये हमारी भतीजी मरियम, हे मरियम। तो व्यूअर आप वीडियो को एंड तक देखें, हम आपको दिखाएंगे कि कबूतरों को किस तरह से ट्रेन करते हैं न्यू कबूतरों को। होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आ रही होगी, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा और ये भी ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है और हमारी न्यू एंट्रीज कैसी लगी है। तो व्यूअर देख रहे हैं आप जिस तरह से कबूतर ये दाना भी खा रहे हैं और उड़ रहे हैं, तावा भी ले रहे हैं, ये सारे नए कबूतर भी इस पे खुले हुए हैं और हम ट्रेन कर रहे हैं। वो देखें लाल शेराजन, ये भी उड़ के उतर रही है इस तरह से। तो आप भी अपने जब कबूतर लेके आए इसी तरह से ट्रेन करें, हल्का हल्का दाना दें उन्हें और हल्का हल्का तावा दें। तो व्यूअर अभी अजान हो रही है, हम वीडियो को स्टॉप करते हैं, वीडियो को बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो व्यूअर जिस तरह से हमने आपको दिखाया था हमारी न्यू एंट्री खुली हुई है, इसके अंदर मगरिब की अजान हो गई थी, इस वजह से हमने वीडियो को स्टॉप कर दिया था। और रेहान भाई ने मगरिब की अजान के टाइम पे इनको दाना कर दिया, ये फुल दाना वाना इन्होंने खा लिया है, अब ये थोड़ा सा और डाल लें दाना नवीद। तो हमने सोचा अब हम आपको इस तरह से भी दिखा देते हैं जो जो कबूतर हम लेके आए। ये देखें ये लाल शेराजी ये है, और एक जो ब्लैक कलर का शेराजी है वो उसके पीछे से नेक के ऊपर बहुत प्यारा वाइट सा वो बना हुआ, हम आपको वो भी दिखाते हैं। ये देखें व्यूअर्स ये इसकी नेक के ऊपर वी देखें कितना प्यारा बना हुआ है, ये ब्लैक शेराजी की ये देख रहे हैं वी जो बना हुआ है ये कितना क्यूट है। और ये गुलाबी गंडेदार जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये गुलाबी गंडेदार, और एक और ब्लैक जो है ये देखें व्यूअर ये वाइट सर वाला चांदना ब्लैक, ये भी कितना क्यूट है माशाल्लाह से, खूबसूरत कबूतर भी अच्छे लगते हैं व्यूअर्स। कौन सा रेहान? हाँ, और विवर ये देखें एक और ये नफ्ता है, ये कैसा है ये हमें मालूम नहीं है, नफ्ता है या गुलाबी है क्या है? आप हमें ज़रूर बताइए ये कबूतर, ये जो लाल लाल सा है ये नफ्ता है गुलाबी है कैसा है ये ज़रूर आप हमें बताइएगा। ये वाला विवर कबूतर ये, तो व्यूअर जिस तरह से आप देख रहे हैं कबूतर इस वक्त दाना खा रहे हैं, हम आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दें कि ये जो हमने कबूतर खोले हैं अपने पास, इनके पर नहीं बांधे, एक ही दिन के अंदर खोल दिए, वो हमने सिर्फ इस वजह से खोले क्योंकि हमारे पास पहले से ऑलरेडी बहुत सारे कबूतर हैं और हमने इनको भूखा रख के खोला है। आप लोग कभी इस तरह नहीं करिएगा कि कबूतर लेके आए उन्हें और आपके पास कबूतर ना हो, आप उन्हें पहले दिन ही खोल दें भूखा रख के, कम से कम कबूतरों के 3 दिन तक 4 दिन तक पर बांध के ज़रूर रखें ताकि उन्हें आपकी छत की थोड़ी सी आदत हो जाए। जिस तरह से मैंने आपको बताया हमने तो सिर्फ इस वजह से खोल दिए क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पहले कबूतर थे तो ये इनमें मिल गए, अगर हमारे पास पहले कबूतर नहीं होते तो हो सकता था कोई भाग भी सकता था कबूतर। तो होप आपको आज की वीडियो में भी आइडिया हो गया होगा कि नए कबूतर जब भी आए उन्हें किस तरह से खोलें किस तरह से रखें, और हमारी न्यू एंट्रीज आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारी इस वीडियो को लाइक करना तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे चैनल कलरफुल बर्ड्स एंड एनिमल्स को आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम हमेशा आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहते हैं।
तो ये देखें अब ये जिस तरह से दरवाज़ा खुल चुका है और कबूतरों ने अंदर जाना भी शुरू कर दिया है, तो अब हम इन्हें बंद कर देंगे। बस आज की वीडियो भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।